हेलो एवरीवन, आपका ब्लॉगर दीपा सैनी में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बिल्कुल नई रेसिपी जिसका नाम है अमरूद का सिरका। फ्रेंड्स, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। अमरूद का सिरका बनाने के लिए हम लेंगे 1 किलो अमरूद। अमरूद आप देख सकते हैं, हम ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लेंगे, अमरूद थोड़ा टाइट होना चाहिए नहीं तो हमारा सिरका अच्छा नहीं बनेगा। अमरूद को हमने अच्छे से वॉश करके 4 पीसेस में कट कर लेंगे। अब हम अमरूद के पल्प और सीड्स को निकाल देंगे, क्योंकि अगर अमरूद के पल्प और सीड्स को नहीं निकालेंगे तो सिरका ख़राब हो जाएगा। अब इस पल्प का हम जूस बना सकते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं हमने कितने अच्छे से पल्प और सीड्स को निकाल दिया है। अब अमरूद के पीसेस को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास होगा 700 ग्राम अमरूद, क्योंकि कुछ इसका पल्प भी निकल गया है। हमने 1 किलो अमरूद लिया था और इस पल्प का आप जूस बनाकर पी सकते हैं। देखिए, हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है अमरूद को। और इसके बाद का प्रोसेस होगा, हम एक जार लेंगे। जार को हमने अच्छे से वॉश करके धूप में सुखा लिया है और इसमें अमरूद डाल देंगे। अमरूद को सुपर फूड भी कहा जाता है। अमरूद के तो अनेक फ़ायदे हैं और इसके अलावा अगर हम अमरूद का सिरका बनाकर यूज़ करते हैं तो उसके हमें डबल फ़ायदे मिलते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं अगर हम कोई भी फल खाते हैं और उसका अगर हम सिरका यूज़ करें तो उससे बहुत भी ज़्यादा बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। हमने जार में अमरूद डाल दिया है। हम जार को 2 इंच खाली रखेंगे, क्योंकि इसमें 2 इंच हम एक्स्ट्रा पानी डालेंगे और इसमें हम चीनी और नमक डालेंगे। जार को पानी से भर देंगे। अब इसमें डालेंगे 2 स्पून शुगर, 1/2 स्पून सॉल्ट, 1 चम्मच से नीचे तक अच्छे से, जिससे शुगर और सॉल्ट अच्छे से मेल्ट हो जाए और बैक्टीरिया बनना स्टार्ट हो जाए। देखिए, आप देख सकते हैं बारीक बारीक बबल्स इसमें आने स्टार्ट हो गए हैं। और अब इसे हम अच्छे से ढककर टाइट करके डार्क वार्म प्लेस पर रख देंगे। देखिए, 15 दिन बाद आपको दिखाते हैं सिरका देखने में कैसा लग रहा है। इसमें बैक्टीरिया बनना स्टार्ट हो गया है। आप देख सकते हैं वाइट लेयर इसमें आनी स्टार्ट हो गई है। अब हम आपको दिखाएंगे 2 महीने बाद, क्योंकि अमरूद का सिरका बनने में टाइम लगता है और इसमें लगभग 2 मंथ्स लगेंगे। चलिए, अब 2 महीने बाद आपको दिखाते हैं सिरका देखने में कैसा लग रहा है। आप देखिए, हमारा सिरका तैयार है और इसमें बिल्कुल वाइट लेयर आ गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। जब हमारे सिरके में वाइट लेयर आ जाए तो समझ जाए कि आपका सिरका तैयार है। हमने 2 महीने तक इस सिरके को बनने के लिए रखा था। अब इसे हम छान लेंगे, एक छन्नी लेंगे, उसमें एक मलमल का कपड़ा डालकर इसे छान लेंगे, क्योंकि इसका वाइट जो लेयर है वो उसमें ना जाए। और आप देख सकते हैं हमारा अमरूद कितना अच्छे से कलर चेंज हो गया है। और आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट हो गया है। हमने थोड़ा हार्ड डाला था लेकिन इसमें डालकर सॉफ्ट हो गया है। और ये हमारा सिरका तैयार है। आप देख सकते हैं बिल्कुल इसका कलर ऐसा है जैसे नींबू का रस, और उसका टेस्ट भी बिल्कुल खट्टा है और खाने में बिल्कुल आपको नींबू के रस जैसा लगेगा। और इसके हेल्थ बेनिफिट तो आप सभी जानते हैं कि सिरके का कितना बेनिफिट होता है। हमारे डाइजेशन को अच्छा करता है, इम्यून सिस्टम को अच्छा करता है। और इसका यूज़ बता देते हैं आपको कैसे करना है। यहाँ पर हम लेंगे 1 गिलास में थोड़ा सा पानी लेंगे और इसमें हम 2 स्पून के करीब
सिरका डाल देंगे। आप इसे मॉर्निंग और इवनिंग में ले सकते हैं। और इसका हम दूसरा यूज़ बताएंगे आपको कि आप इसे कैसे सैलेड बना सकते हैं। यहाँ पर हमने लिया है एक ऑनियन को, हमने गोल पीसेस में कट कर लिया है, और यहाँ पर हमने चार हरी मिर्च लेकर दो पीसेस में कट कर लिया है। एक कटोरी में दोनों चीज़ों को डाल देंगे और अब इसमें डालेंगे हम सिरका। इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देंगे। इससे कलर भी बहुत अच्छा आएगा और खाने में टेस्ट भी बहुत अच्छा लगेगा। इसे आप खाने से एक घंटा पहले बनाकर रख दें, उसके बाद खाएं। अब हम बनाएंगे लाल मिर्च का अचार। यहाँ पर हमने 8-10 लाल मिर्च ले ली हैं और उसमें थोड़ा सा सिरका डाल देंगे और थोड़ा सा नमक डालकर मिक्स करके इसे रख देंगे। इसे आप खाने से एक दिन पहले बनाएं और उसके बाद इसे आप एक हफ्ते तक भी खा सकते हैं रखकर। अब फ्रेंड हम आपको बताएंगे कि हमने जो पल्प निकाला था अमरूद का, उसका हमने मिक्सी में ग्राइंड करके जूस बना लिया है। एक छलनी में छान लेंगे, अच्छे से छान लेंगे। देखिए ये पल्प का जूस तैयार है, अमरूद के सारे बीज निकल गए हैं, आप देख सकते हैं। इसमें हमने थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया है और जूस की कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, पतली या गाढ़ी। अमरूद के सिरके को आप एक कांच की साफ बोतल में स्टोर करके रख सकते हैं। सिरके को कितने दिन भी रखें वो ख़राब नहीं होता। सिरका बहुत ही फ़ायदेमंद है हमारी सेहत के लिए, इसलिए इसे ज़रूर ट्राई करें। और आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक